मुमताज अली जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा सलाम। कहिए मुमताज अली जी, आज आपके घर का कानूनी कागज आपके हाथ में आ गया है। अब आपके घर का एक नक्शा है, उसकी हदें तय हो चुकी हैं। पहले जो समस्याएं आती थी, अब आपको लगता है उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी? जी सर, अब वो समस्या नहीं आएंगे जी। पहले तो लोग जैसे कोई मकान बनाना शुरू करता था जी, आपस में झगड़े हो जाते थे, अब मतलब उन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा जी। अच्छा, अब आप अभी स्वयं क्या करते हैं ममता जली जी? मैं सर राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी। अच्छा, राजमिस्त्री है। अच्छा, हाँ जी। क्या बनाते हैं? मकान बनाते हैं जी। घर बनाते हैं? हाँ और जी। और कितना कमाते हैं? लगभग 15,000 रुपये मंथली कमा लेते हैं जी। अच्छा अच्छा, आप जब मकान मालिक बन गए, राजमिस्त्री हैं, सब कुछ जानते हैं, आगे क्या सोचा है? ऐसा ही जैसे मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी, मतलब मेरे को स्वामित्व का अधिकार मिल गया है जी। अब मैं रजिस्ट्री से अपने मतलब बैंक से लोन ले सकता हूँ जी, और उससे लोन लेकर अपना सेटरिंग का काम शुरू करूँगा जी। इससे मेरा व्यवसाय बढ़ जाएगा जी, और तो अपने बच्चों का भी मतलब अच्छी सोचा है। बैंक से पैसा लेने के लिए कोई योजना बनी है? हाँ जी, इसकी योजना बन चुकी है जी। मेरे को मतलब बैंक ने 3 लाख रुपये देने के लिए जी आमंत्रित भी किया है जी। अरे वाह, तो अब मकान के कागज मिल गए, 3 लाख रुपये मिलेंगे, मतलब आप अपने काम को अब आगे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे जी। देखिए, ये खुशी की बात है कि आज आपको स्वामित्व योजना के तहत मिले प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर लोन भी मंजूर हो गया, और वो भी 3 लाख रुपये। हाँ जी, 3 लाख। मुझे विश्वास है कि इससे आपके खानदान की माली हालत को सुधारने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन एक बात पूछूं? जी सर। मुमताज अली जी, बच्चों को पढ़ाओगे? हाँ जी, मेरे बच्चे पढ़ते हैं जी, ऑलरेडी पढ़ रहे जी। अच्छा, क्या पढ़ते हैं? लड़का प्लस 1 में पढ़ रहा है जी, और लड़की 12वीं में प्लस 2 में पढ़ती है जी। अच्छा, देखिए थोड़ा तकलीफ भी हो जाए जीवन में, तो भी बच्चों को जरूर पढ़ाइए जी। बच्चों को तो मेरे कभी कभी उनको राजमिस्त्री बनने के लिए मजबूर मत करना। नहीं नहीं सर, मैं उनको राजमिस्त्री बनाएगी जी, तभी तो उनको पढ़ा रही जी। हाँ जी, चलिए, मेरी आपको और आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं भैया जी। हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं जी, हमारा सलाम जी।